कहा जाता है। सेट स्क्वायर में दो पार्ट होते हैं अलग अलग। पहला होता है जो है हमारा जो ये भाग है यह होता है 30, 60 और 90 का होता है। 30 डिग्री 60 डिग्री 90। तो 30 डिग्री किधर का होता है? 30 डिग्री हमारा इस प्रकार से होता है और 60 यहाँ से होता है और दोनों जब हम मिल जाते हैं तो हमारा 90 डिग्री होता है। यह जो है ट्रांसपेरेंट होता है, यह प्लास्टिक अथवा सेलोलाइट का बना होता है। इसका प्लास्टिक अथवा सेलोलाइट का बना होता है, समझ गए। यह जो है ड्राइंग शीट पर ड्राइंग को आइसोमेट्रिक अथवा ऑर्थोग्राफी बनाने के काम में आता है, समझ गए। इसमें मैट्रिक एंड ब्रिटिश दोनों पद्धति का जो है स्केल होता है, इसमें मेजरिंग भी कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो टेढ़े मेढ़े जो है ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। यह जो है फ्रेंच कर्व कहा जाता है और फ्रेंच कर्व जो है अलग से भी आता है। फ्रेंच कर्व का काम क्या होता है? फ्रेंच कर्व का काम होता है इरेगुलर शेप को बनाना, यानी असमतल अगर कोई आकृति है तो हम जो है वहाँ से जो है फ्रेंच कर्व से बना सकते हैं। जैसे कंपास, स्केल, डिवाइडर, किसी से अगर वो शेप नहीं बन रहा है तो हम लोग सिर्फ फ्रेंच कर्व की सहायता से इरेगुलर शेप को बनाने के काम करते हैं, समझ गए। दूसरा जो होता है हमारा यह जो है 45, 45 और 90 डिग्री का होता है। इसमें एक प्रोटेक्टर बना होता है यानी चांदा बना होता है जिसकी सहायता से हम जो है एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं, समझ गए। इसमें भी स्केल होता है मेट्रिक एंड ब्रिटिश दोनों, यानी मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर और इंच में दोनों में मेजर कर सकते हैं। और दोनों एक ही है तो भाई ट्रांसपेरेंट होगा। और ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है ताकि ड्राइंग शीट पर जब हम काम करें तो हमारे जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे या कहीं आगे पीछे इसको स्लाइड करेंगे तो हमारी जो नीचे की लाइन होगी, ठीक है, बॉटम की, वो अच्छे से दिखाई दे और हम ड्राइंग को आसानी से बना पाए, समझ में आया। तो ये रहा हमारा सेट स्क्वायर। दूसरा होता है हमारा इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है? इंजीनियरिंग स्केल आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक छोटा भी होता है और एक बड़ा भी, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और भी लंबाई में आता है। इंजीनियरिंग स्किल जो है ड्राइंग शीट में काम करने के लिए आता है, यानी ड्राइंग में काम करने के लिए आता है। मगर ये आप ये देख पा रहे हो यह है स्टील रूल, यह जो है और इसमें, यानी स्टील रूल और इंजीनियरिंग स्किल में क्या डिफरेंस है? स्टील रूल जो होता है यह सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप में यूज किया जाता है। कहाँ पे? वर्कशॉप में। अच्छा, ये क्यों किया जाता है वर्कशॉप में और इसका यूज क्यों नहीं किया जाता? वर्कशॉप में जब आप जाते हो वहाँ पर मेटल संबंधी कार्य होते हैं, ठीक है, धातु संबंधी कार्य किए जाते हैं, तो वहाँ पर जब बार बार हम मेजर करेंगे तो इसका जो है जो किनारा है वो मुड़ ना जाए या इसकी छोटी एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा इधर उधर ना हो, इसलिए हम लोग जो है स्टील रूल का यूज करते हैं, समझ गए। यानी वर्कशॉप में यूज करने के लिए स्टील रूल का यूज करते हैं। और इसमें भी ब्रिटिश एंड मैट्रिक दोनों पद्धतियाँ होती हैं, यानी मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंच दोनों में मेजर कर सकते हैं। और आप एक बात और देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक होल दिखाई दे रहा है ना, कि ये होल का काम होता है कि अगर स्टील रूल कहीं गिर गया तो ये स्टील रूल इधर मतलब इधर जो है मेजरिंग करने लगता है, यानी गलत मेजरिंग करने लगता है। गलत मेजरिंग ना करे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे बड़े सावधानी से रखा जाता है, इसे कहीं ना कहीं जो है दीवार में टांग दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये अच्छा से सीधा है और अच्छे से हम मेजरमेंट कर पाए। मगर देखते हैं हम जब इंजीनियरिंग स्केल में तो इसमें होल नहीं है, ठीक है, इसे हम आसानी से बैग में आसानी से रख सकते हैं या सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। और यह जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही सिर्फ यूज किया जाता है, समझ गए। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट होती है वो नॉर्मल होती है, तो वहाँ पर आप अच्छे से यूज कर पाओगे, समझ में आए दोनों का। तो कभी भी डाउट मत होना, यह इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्टील रूल का यूज नहीं किया जाता है बल्कि ट्रांसपेरेंट स्केल का यूज किया जाता है, समझ में आया। ये रहा है आपका स्टील रूल एंड इंजीनियरिंग स्केल में डिफरेंस। तीसरा है हमारा प्रोटेक्टर, जो कि अभी आपने सेट स्क्वायर में देखा। प्रोटेक्टर जो होता है इसे हम लोग गाँव की भाषा में या हिंदी में कहते हैं चांदा, ठीक है। और यह जो है किस पदार्थ का बना होता है? कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हो तो
आप बोल के वहाँ पड़े हैं, तो आपके सामने ऐसे रख दिया जाएगा कुछ, ठीक है, इक्विपमेंट रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये इसका आप डिस्क्रिप्शन बताइए, अच्छे से इसके भाग को बताइए, ये क्या काम करता है या किस मटेरियल का बना हुआ है। तो जो प्रोटेक्टर होता है यह जो है प्लास्टिक अथवा सेलोलाइट का बना होता है, किसका, यह ट्रांसपेरेंट होता है, समझ गए, ट्रांसपेरेंट अगर नहीं होगा तो हम ड्राइंग शीट पर काम नहीं कर सकते, समझ गए, ट्रांसपेरेंट होता है। और यह जो है विभिन्न एंगल को मेजरमेंट करने के काम आता है, क्या काम करने के लिए, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, 0 से 180 डिग्री, और एक फूल में आता है प्रोटेक्टर तो 0 से 360 डिग्री होता है, समझ गए। तो यह रहा है आपका 3 टूल्स, बाकी जो टूल्स होगा नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, धन्यवाद।